मेरा दोस्त देखो वो तो और दो दो तीन तीन प्लेट खा जाते हैं, यहाँ का बेस्ट है। मैं आपको बढ़िया सा शूट लेकर आ चुके हैं और भाई साहब ये चेक करो जी, गर्मा गर्म कुल्चे आ चुके हैं। कैसे मेकिंग होती है पूरे आपको दिखाते हैं, क्योंकि इसके लिए पूरी भीड़ लगी हुई है और आज बारिश भी पूरी धमाकेदार है। बारिश में भी लोग खाने के लिए नहीं रुक रहे, वेट नहीं कर रहे, लोग दूर दूर से आ रहे हैं इनके कुल्चे छोले खाने के लिए। तो देखते हैं क्या जायका, क्या मतलब स्वाद दे रहे हैं, आओ चलते हैं। छोले कुलचों की मैंने दीवानगी देखी है, पर यार इस काट पे ना कुछ अलग ही दीवानगी है। पाजी ऐसा क्या डालकर दे रहे हो, लोग दूर दूर से आ रहे हैं। कुछ नहीं डाल रहे हैं सर, वही नॉर्मल मसाले होते हैं। वही नॉर्मल मसाले डाल रहे हो पर फिर भी इतनी दीवानगी, ऐसा क्या डालकर दे रहे हो? बस कुछ नहीं सर, ट्राई करना आपको अच्छा लगेगा। अमूल बटर लगाते हैं, अच्छी मतलब बढ़िया क्वालिटी की लगाते। तो पाजी दिखाओ के कैसे बना रहे हो? हाँ जी बिल्कुल दिखाएंगे। लो जी सबसे पहले क्या बनाने जा रहे हो? छोले बनाएंगे पहले। पाजी आपका नाम क्या है? सुनील कुमार। मटर है ये? मटर है, छोले बोलते हैं। लो जी यही छोले हैं। छोले बोलो या मटर बोलो, दीवानगी इतनी है कि दो दो टब भरकर बनाते हैं, वो भी बिक जाते हैं। और जिस दिन संडे हो उस दिन तो लगभग चार टब भी कम पड़ जाते हैं, तो मतलब 1000 प्लस प्लेट डेली बिक जाती इनकी। ये लाल मिर्च, ये लाल मिर्च देगी मिर्च पीसते हैं इसको, लाल मिर्च को। क्या बात है जी? ये गर्म मसाले भी घर पे पीसते हैं साबुत लाके। ये सेटअप कब स्टार्ट किया था आपने? सन 2014 से। सन 2014 में आपने ये सेटअप स्टार्ट किया, और किसने स्टार्ट किया? मैंने स्टार्ट किया यहाँ पे, भैया ने कबीर नगर में स्टार्ट किया है। दूसरे जो भाई है इनके वो कबीर नगर में लगाते हैं। और ये पाजी क्या आगे? ये धनिया पुदीने की चटनी होती है, पानी में मिक्स करते हैं वो डालते हैं। और बढ़िया से मसालों की खुशबू आ रही है। जब स्टार्ट किया था 40 रुपए की प्लेट, अब 70 रुपए की प्लेट। और पाजी दिल्ली में मैंने हमेशा देखा कि जितने भी छोले कुलचे वाले हैं उनका बनाने का स्टाइल हमेशा ही यूनिक होता है। सब अपने अपने तरीके से बनाते हैं सर, कोई किसी तरीके से बनाते हैं। तो अब क्या किया जाएगा? अब फ्राई करेंगे छोलों का तड़का लगने जा रहा है। तो अमूल मक्खन की पूरी की पूरी टिक्की डाल दी। ये आ गया जी जीरा, जीरे की खुशबू है बटर में, बढ़िया वाली है। पाजी ये छोले कुलचे कैसे बनाने सीखे आपने? हमारे भैया बनाते हैं बड़े वाले, काफी सालों से बनाते, दिल्ली में ही बनाते हैं। तो उनसे आपने सारा कुछ सीखा? उनसे सीखा। तो भाई साहब बटर का तड़का जीरे में। और पाजी आजकल तो महंगाई इतनी होगी, आपने लाल रंग के टमाटर भी डाल दिए। कोई बात नहीं, 70 रुपए की प्लेट है तो कुछ तो होना चाहिए, हमारे क्वालिटी में कम नहीं करते हैं, सब ग्राहक खुश रहते हैं। तो मतलब टमाटर हो जाए 200, चाहे हो जाए 300, चाहे हो जाए 1000, टमाटर डालने ही डालने हैं। और लोगों की भीड़ बता रही है कि भाई साहब कुलचे छोले होने वाले हैं बढ़िया वाले। टमाटर के बाद में धनिया और अदरक है, धनिया और अदरक की बढ़िया से बारिश। तो बारिश में कोई कंजूसी नहीं है, बारिश भर भर के की जाती है। अब आ चुके हैं छोले भर भर के, और भाई साहब देख सकते हो पूरा का पूरा तवा भर चुका है छोलों के साथ। भाजी कितने केजी अभी चने बने होंगे? ये 2 केजी करीब होंगे, 2 केजी के करीब। और ऐसे लगातार बैच बनते रहते हैं? हाँ जी पूरे दिन बनते रहते हैं। छोलों को ट्रांसफर कर लिया गया, छोले बन चुके हैं। और अभी देखो जी तो जलवा आने वाला है, क्योंकि ये सिंपल छोले नहीं है, पर डाले जाएंगे आलू और भी बहुत कुछ डाला जाएगा। बढ़िया से खुशबूदार छोले बन चुके हैं, पतीले में ट्रांसफर हो चुके हैं और खुशबू बता रही है छोले बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही जायकेदार, बहुत ही अल्टीमेट। पूरा ग्लास भर के नींबू डाल दिया गया ये चटनी, और ये आ गई जी पुदीने वाली चटनी। और छोलों को कर दिया गया बढ़िया से मिक्स, बढ़िया से खुशबूदार छोले तैयार हो चुके। अब भाई साहब बनने जा रहे कुलचे, अब कुलचों को भी लगेगा खूब अच्छे से बढ़िया से तड़का। सबसे पहले आ चुके अमूल मक्खन, ये सिंपल वाले कुलचे हैं। पतले वाले नान वाले कुलचे? नान वाले, मतलब नान जैसे पतले हैं। पर पाजी एक साथ कितने कुलचे बना रहे हो? एक साथ बना रहे हैं 7 प्लेट करीब। तो एक साथ 7 प्लेट बनने जा रही हैं, लगातार ऑर्डर लगे हुए हैं, कुलचे कुलचे पूरे भर दिए पाजी ने तवे के ऊपर। एक ही साथ में 7 प्लेट लगने जा रहे कुलचे, और कुलचों को अभी मक्खन के साथ अच्छे से लपेटने के बाद ये चेक करो जी, कुलचों को दोबारा से एकदम बढ़िया से रोल रोल कर दिया, मिक्स मिक्स कर दिया। और भाई साहब ये चेक करो पाजी, कुलचों के ऊपर क्या मतलब मसाला लगा है? क्या लगा है? मसाला लगा। ये कौन सा मसाला है? ये अपने घर पे लगाते हैं मसाला, टमाटर प्याज का मसाला होता है। अच्छा ये सीक्रेट मसाला जिसके कारण कुलचे भी लटपटे बन जाते हैं, लोग दूर दूर से आते हैं, कुलचों की दीवानगी इनसे ही पता लगती है। कुलचे याद रखने पड़ेंगे इनके, क्योंकि कुलचों के ऊपर है इन्होंने स्पेशल मसाला जो ये बताते नहीं है, बट कोई ना हम खा के बताएंगे ये कैसा मसाला है। कुलचों के ऊपर ये मसाला लगाने वाला आइडिया कैसे है? बड़े भैया ने बताया। बड़े भैया ने बताया? तो बड़े भैया इधर नहीं आए, पर बड़े भैया की आपने तारीफ वो कर दी है। गाँव गए हैं बड़े भैया भी घूमने।
रूम ने, तो भाई साहब वो उन्होंने इनको सिखा कर वो खुद छुट्टी पर चल गए। और देखो धनिया की अच्छे से बारिश, और भाई साहब पनीर से मुझे याद आ गया जान काट ली बेमाना सानू, पनीर वाले कुलचे खवा के। भाई साहब पनीर की अच्छे से बारिश, और बारिश के मौसम में बारिश ही बारिश, वो भी पनीर वाली। आपने इतनी पनीर की बारिश कर दी है, वाहेगुरु ने भी पूरी अच्छे से बारिश कर दी है। तो भाई साहब बढ़िया सा मौसम हो चुका है, बढ़िया से मौसम में बढ़िया सी पनीर की बारिश। और ये चेक करना जी कुलचों को आप तय लगाया जाएगा। भाई एक प्लेट में कितने कुलचे देते हो? तीन कुलचे एक प्लेट में। और पाजी आपके कुलचे देख कर भूख लग गई है, और जैसे ही कुलचे सीखे और वैसे ही ऑर्डर लग चुके हैं पाजी खा रहे हैं। बहुत बढ़िया, क्या बात है जी। तो ऐसे लगातार ऑर्डर लग रहे हैं और लगातार पाजी के हाथ चल रहे हैं जी। देखो पीछे से प्लेट लग रही है, और पाजी के हाथ बुलेट ट्रेन की स्पीड को भी फेल कर दिया पाजी ने। तो लो जी दोबारा से कुलचे आगे बनते रहते हैं, ऐसे लगातार बनाते रहते हैं। भाई कुलचों में क्या डाल कर देते? कुछ नहीं सर, ये मैगन वाले छोले कुलचे तो नहीं है? मैं इसको छोले कुलचे हैं, पनीर वाले। भाई एक प्लेट हमारी भी लगा देना। हाँ जी, आप लगा दे। ये आ गई छोले। और पाजी डूना आपका बहुत स्पेशल दिख रहा है, पत्ते वाला डूना है। और ये आ गए जी प्याज भरपूर मात्रा में, पुदीने वाली चटनी आ चुकी, और साथ में मिर्ची का अचार, नाल आ गए जी कुलचे, और लास्ट में डाल दिए गए आलू के चार पीस। एक प्लेट में तीन कुलचे पनीर वाले, और ये आ गए जी प्याज खीरा पुदीने वाली बढ़िया से चटनी आ चुकी है जी, नाल मिर्ची का अचार पत्तल वाले डूने में आ चुके, बढ़िया से छोले से फ्राई किए हुए आलू आ चुके हैं छोलों के ऊपर, और ये प्लेट लगकर तैयार है। पाजी प्राइस क्या रहने वाला जी? 70 रुपए में ये बढ़िया सा जायका। और ऐसे लगातार लोगों की प्लेट लग रही है, लोगों की खाने वालों की भीड़ चेक कर सकते हो। प्लेट की बात करूँ 70 रुपीज में आपको बढ़िया से पनीर वाले तड़के वाले कुलचे, और नाल छोले कुलचे लंबे वाले सॉफ्ट वाले एकदम बढ़िया। चेक करो दबाया और कुलचा ऐसे खुल गया, और देख रहे हो कुलचा नहीं टूट रहा, मतलब एकदम सॉफ्ट है। भाई कुलचा बता रहा है कि आपके मुंह में मैं घुलने के लिए तैयार हूँ। और भाई साहब थोड़ा सा आलू लिया, छोले लिए, पुदीना चटनी और प्याज, बढ़िया वाली बाइट बनकर तैयार। मतलब आलू डाले गए हैं, इनकी क्रिस्पीनेस अल्टीमेट लेवल की, और नाल छोले, छोलों में मसाले बढ़िया बेहतरीन, और साथ में पुदीने वाली चटनी का फ्लेवर गजब। भाई साहब मतलब ये कुलचे छोले ना इतने बढ़िया बेहतरीन, अलग अलग बाइट में आपको बढ़िया सा टेस्ट आएगा और मुँह में जाके घुल जाएंगे। मतलब 6 महीने पहले खाने शुरू करे थे, अब तो ऐसे हफ्ते में एक बार आते हैं, हम यहाँ बार बार आने की कोशिश करते हैं। बहुत ही बढ़िया, एकदम खाने में टेस्ट है, यूनिक है, थोड़ा चटपटा सा है, क्वालिटी भी अच्छी है। यहाँ पे जब से खाने स्टार्ट किए हैं 4-5 साल से, फिर कहीं और के अच्छे लगते नहीं है। मसाले बहुत कम होते हैं, बच्चे बहुत इजीली खा लेते हैं, और वीकली तो कम से कम एक बार आ ही जाते हैं कि भाई चलो थोड़ा रिफ्रेशमेंट ले लेते हैं। बहुत अच्छा, प्लेट खाने के बाद दूसरी प्लेट खाने का मन करता है। मेरा दोस्त देखो वो तो और दो दो तीन तीन प्लेट खा जाते हैं। यहाँ का बेस्ट है गाजियाबाद के अंदर में छोले कुलचे खाने। एक और बाइट लेते हैं और इसी को साथ वीडियो को करते हैं फिनिश। कुलचा लिया, अब थोड़ा सा डालेंगे इसमें पनीर, कहते ना जान काट ली बेमाना सानू, पनीर वाला कुलचा खवा के। पनीर डाला, अब डाले छोले प्याज और पुदीना चटनी। आंखें बंद करके खाओ और जन्नत में पहुंच जाओ, मतलब इतने स्वाद इतने बेहतरीन। दिल्ली की बात करूं हर नुक्कड़ और हर गली में जो कुलचे बना रहे हैं छोले बना रहे हैं, अलग अलग टेस्ट है, अलग अलग जायका, पर जो इनका टेस्ट रहने वाला बा कमाल, बा शानदार, बहुत बा कमाल। तो इसी के साथ हम भी करते हैं इसको फिनिश, और आप आ सकते हो गाजियाबाद में IT कॉलेज के बिल्कुल बगल में सुनील चाट भंडार। मैं जब से आया हूँ लोग कह रहे हैं मुस्कान मसाला, मुस्कान मसाला, ये क्या है? ये है मुस्कान मसाला, ये गाजियाबाद की कंपनी है। ये कुलचे भी बनाते हैं, ब्रेड भी ब्रेड नहीं बनाते, पेटीज, केक और फैन रस, ये सारी चीज, बर्गर। मतलब इनके कुलचे स्पेशल होते हैं, ये देखो जी पीले रंग के कुलचे जी। मैं क्या शायद मुस्कान आएगी वो खिलाएगी कुलचे,